आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। खबर रोहतास जिला के सासाराम से है, जहां चिरौंजी लदा हुआ एक ट्रक को अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट लिया तथा ट्रक लेकर भाग गए। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ से चिरौंजी का गुठली लेकर ट्रक रोहतास जिला के चेनारी जा रहा था। इसी दौरान महारानिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बुलेरो सवार 4 अपराधियों ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया तथा ड्राइवर खलासी को उतार कर ट्रक लेकर भाग गए। सूचना मिलते ही दरेगांव थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चिरौंजी के मालिक शंकर जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से 3 कारोबारियों को चिरौंजी ट्रक से भेजा गया था। इस पर लगभग 20 लाख की चिरौंजी गुठली लदा था। रोहतास से रोहित सिंह की रिपोर्ट। चिरौंजी गुठली छत्तीसगढ़ रायपुर से चली थी गाड़ी लेकर के, और ड्राइवर का कहना है कि हम जब टोल टैक्स से 3 किलोमीटर पहले थे और चारा चंडी पार कर दोनों के पीछे थी लमसम, हम गाड़ी को टायर ठोकने के लिए उतरे, ड्राइवर का कहना है और खलासी का कहना है। तो जो वहीं हम टायर ठोकने के लिए उतरे तो उन्हें बोलेरो से 5-7-10 आदमी आ गए और हमको जबरदस्ती जो है इतनी गाड़ी में दबोच करके बंद कर दिए, मारपीट करने लगे और हमारा चाबी गाड़ी का ले लिए, हमारा मोबाइल ले लिए और उसके बाद हमको मार्शल पर बिठा करके और कुछ दूर उधर ले जा करके, उसका कहना है कि उधर हरिहरगंज तरफ ले जा करके हमको छोड़ दिया लोग उसी तरह से, और गाड़ी कहाँ ले गया, माल कहाँ ले गया हमको कुछ पता नहीं। कितना का माल था? लमसम उसमें 20 लाख के आसपास माल था, उसमें 2-3 आदमी का माल था, वहां से चला था संयुक्त रूप से और उसका अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। हम लोगों को सुबह 5:30-5 बजे फोन से जानकारी मिली तो ड्राइवर घामा का रहने वाला था और मालिक वहीं का रहने वाला था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा शंकर जायसवाल। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का